भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के खिलाफ राहुल गांधी की बयानबाजी को पूरा देश जानता है। वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और देश के लोग इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करते। इसी क्रम में रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग पार्टी के सामने दावेदारी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के कवर्धा जाने पर किरण सिंह देव ने तंज कसते हुए कहा कि 5 साल जब वो सरकार में थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अगर उस समय प्रदेशवासियों की चिंता की होती तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। डेफिनेटली और स्वाभाविक रूप से पूरा देश इस बात को जानता है कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, देखिए राजनीतिक मतभेद, विचारों का अलग होना, विचारधारा का अलग होना एक अलग विषय है, लेकिन आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, देश को आप क्या परोस रहे हैं, देशवासियों को क्या परोस रहे हैं, अपने देश के ही प्रधानमंत्री जी को, और आप अपशब्दों का प्रयोग करके उनको बार बार अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, कभी उनको कोई चौकीदार चोर है का संज्ञा देता है, कभी उनको कहते हैं मौत का सौदागर है, कभी उनको बारे में अलग अलग टिप्पणी, उनके जाति भेद को लेके भी उनके विषय पर टिप्पणी की गई, तो व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स, इस तरीके की चीजें राजनीति में हमारे देशवासी नहीं इस चीज को पचाते हैं। राजनीतिक बहुत ही, और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, कभी पलट के जवाब नहीं देते वो, और आपको देखना चाहिए, और देश की बात तो अलग है, विदेशों में जाकर देश के मान सम्मान को गिराने का काम आप कर रहे हैं जिस तरीके से, तो वास्तव में आपकी भूमिका क्या है, चाहते क्या है आप भाई? लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यहाँ पर चुनाव जो हुए हैं लोकसभा के, आप 99 की संख्या में पहुंचने के बाद आप ये क्यों समझते हैं कि आप सरकार बना ली?